आंटी नाश्ता बन गया। कितनी बेहस है, यहाँ पे मेरी बच्ची की खुशियां दाव पे लगी हुई और तुझे नाश्ते की पड़ी हुई है। तो आपकी बच्ची की खुशियां मैंने दाव पे नहीं लगाई, उसका अपना कसूर है। इतनी लंबी जबान जो है उसकी, क्या जरूरत अपने होने वाले शोहर के आगे जबान चलाने की। मैं भी तो हूं ना, नौकरों में पली बड़ी हूं, लेकिन यहाँ आके अपने शोहर की भी खिदमत करी हूं और आप लोगों की भी, और नूरी की शादी के लिए भी सब कुछ मैंने किया है, उल्टा आप मुझे बातें सुना रहे हैं। वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, नेकी करो और दरिया में डाल दो। नहीं नहीं, वो परेशान हूं ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। फिकर मत करो, अभी नाजी आ जाएगी भाई साहब से तो वो पका लेगी। रहने दे, उसे ताया जी की चाकरी करने दे, अपना नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। थैंक यू सो मच। किस तरह से बात करके गई है, बड़े पर निकल आए इस चूंटी को। मेरी नूरी का मसला हल करूं, इसके भी पर काटती हूँ। बहुत शुक्रिया, कर लेती हूँ मैं खुद। सारे पौधे सूख गए, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। जीती रहो नाजी बेटा, तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हुई हूँ, नाश्ता भी बना लिया, किचन भी साफ कर लिया, अब आप नाश्ते पे सबको बुला लीजिए। जीती रहो, यकीन जानो आज मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कोई काम करने का। अरे भला मेरे होते हुए आपको क्यों काम करना पड़ेगा, मैं हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शहीर को भी बुला ले। मैं बुला कर लाता हूँ शहीर को। मैं बुला, तुम कहाँ भाई? मैं तो काफी देर से आई हूँ, बैठे। आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? ऑमलेट, आपका फेवरेट चीज ऑमलेट मैंने बनाया है। थैंक यू। एक सेकेंड, मैं चाय लेकर।